इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिल्की सॉफ्टवेयर में फार्मर का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे फार्मर का अकाउंट बनाने के लिए, खाता बनाने के लिए हमने यहाँ पे फार्मर पे क्लिक करना है। हमने आइकन पे यहाँ पे सबसे पहले कोड आएगा, वाई डिफॉल्ट यहाँ पे 1 कोड देगा सॉफ्टवेयर आपको। अगर आप इसे चेंज करना चाहें आप मैन्युअली चेंज भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट फील्ड पे जाने के लिए हमने एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ। यहाँ पे हम फार्मर का नाम दे देंगे, एंटर करेंगे। जैसे यहाँ हिंदी में आ रहा है, आप अपनी लैंग्वेज में भी नाम डाल सकते हो। इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर में आपको सेटिंग दी गई है। तो सेटिंग करने के बाद आप अपनी लैंग्वेज में भी यहाँ पे अपने फार्मर का नाम दे सकते हो। एंटर करेंगे। यहाँ कोई बैलेंस रहता है उसका, ओल्ड बैलेंस रहता है तो यहाँ पे डाल सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं वैसे डाल रही हूँ, 500 मान लीजिए बैलेंस है उसका। यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा कस्टमर का, एंटर करेंगे। बिफेलो मिल्क रेट है यहाँ पे, यहाँ पे काउ मिल्क रेट। अगर आपने मिल्क रेट लीटर के हिसाब से फिक्स किया हुआ है या फिर फैट के हिसाब से फिक्स किया हुआ है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई हैं, आप किसी भी तरह से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप मिल्क रेट दे दोगे। अगर आपका मिल्क रेट जो है वो फिक्स है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ आप खाली छोड़ सकते हो इसको। यहाँ पे एड्रेस दे देंगे हम फार्मर का। यहाँ एज आ जाएगी, अगर आप कास्ट डालना चाहें जो भी है, मान लीजिए जनरल है, एंटर करेंगे। यहाँ पे बैंक नेम डाल देंगे, अकाउंट नंबर जो भी है वो डाल देंगे। यहाँ पे IFSC कोड, यहाँ पे आप IFSC कोड डालोगे। ये कोड डाल के यहाँ पे ID कार्ड नंबर वगैरह अगर डालना चाहिए डाल सकते हो। उसके बाद आपने सीधा यहाँ पे एंटर करते हुए इसको सेव कर देना है, ओके करेंगे। तो इस तरह से आपने सारी डिटेल डाल के फार्मर का खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है। इसे क्लोज कर देते हैं। तो जो भी अकाउंट आप बनाते जाओगे उसकी लिस्ट जो है यहाँ पे एड्रेस बुक में आ जाएगी। तो इसको क्लिक करेंगे हम। देखिए जो अभी हमने अकाउंट बनाया है कृष्णा नाम के फार्मर का, तो यहाँ पे दिखा रहा है सॉफ्टवेयर आपको। इसी तरह से जितने भी आप अकाउंट ऐड करते जाओगे इसमें, यहाँ पे पूरी लिस्ट बनती जाएगी आपके पास। लिस्ट में से अगर किसी फार्मर को आपने सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन दी गई हैं 3 आपको। आप कोड के थ्रू भी सर्च कर सकते हो, कोड डाल के यहाँ फार्मर का नाम भी दे सकते हो और मोबाइल नंबर भी। तो मल्टीपल ऑप्शन दी गई हैं, किसी के थ्रू भी आप फार्मर को लिस्ट में से सर्च कर सकते हो। तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप फिल करके आप ओके करोगे तो सॉफ्टवेयर आपके लिए पर्टिकुलर फार्मर को सर्च कर देगा। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट की ऑप्शन दी गई है। मान लीजिए जो भी लिस्ट आपके पास है फार्मर की सॉफ्टवेयर में, आपने उसको एक्सेल शीट में लेकर जाना है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पे यस कर देंगे, यहाँ एक्सेल शीट आ जाएगी आपके पास। जो भी लिस्ट आपकी सॉफ्टवेयर में होगी वो एक्सेल शीट में आ जाएगी। अगर जरूरत पड़े तो आप इसको सेव करके रख सकते हो। इसे क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सेल शीट में डाटा पड़ा है, आपके फार्मर की लिस्ट पड़ी है एक्सेल शीट में, तो उसको आप सॉफ्टवेयर में भी ला सकते हो, इम्पोर्ट कर सकते हो उसको। उसके लिए इम्पोर्ट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ आपने सेलेक्ट एक्सेल फाइल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे भी आपकी एक्सेल शीट रखी होगी, वहाँ से आपने सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है उसको। तो आपकी एक्सेल शीट का पाथ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ एंट्रीज देना है कि कितनी एंट्रीज को आपने इम्पोर्ट करना है सॉफ्टवेयर में, वो डाल दोगे। उसके बाद आपने डायरेक्ट यहाँ पे इम्पोर्ट डाटा पे क्लिक करना है। तो एक्सेल शीट में जो भी डाटा होगा, लिस्ट होगी फार्मर्स की, वो सारी आपके सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। आपको एक एक फार्मर को ऐड करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एट ए टाइम ही पूरी की पूरी लिस्ट को सॉफ्टवेयर में ला सकते हो। यहाँ पे अगर आपने एट ए टाइम ही नया अकाउंट बनाना है फार्मर का तो न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप नया फार्मर क्रिएट कर सकते हो। अभी इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आपको SMS की फैसिलिटी भी दी गई है। अगर आप किसी तरह का SMS करना चाहें अपने फार्मर्स को तो आगे से आपने यहाँ पे टिक लगा के SMS पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे SMS कर सकते हो। अगर आपने फार्मर्स की पूरी लिस्ट को प्रिंट करना है, यहाँ पे प्रिंट की ऑप्शन दी गई है आपको, आप प्रिंट भी कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर आप किसी फार्मर के अकाउंट को एडिट करना चाहें, कुछ चेंज करना चाहें उसमें, तो उसको आप एडिट भी कर सकते हो। इसको जैसे मैं कर रही हूँ अभी, ये कृष्णा नाम का हमने फार्मर बनाया था, अकाउंट बनाया था, इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा डबल क्लिक करते ही। इसमें कुछ भी चेंज करना चाहें आप चेंज करके यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। इसे हम अभी क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से आपने फार्मर्स के अकाउंट क्रिएट करने हैं। इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।